हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लोइंग गर्ल। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोडक्ट परचेज़ किया है। अब आप इसका पैकेजिंग देख के कुछ लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये मैंने कुछ दिन पहले परचेज़ किया था और ये है ग्वाशा, जो कि बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है और लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ग्वाशास कई तरीके के आते हैं, कुछ क्रिस्टल्स के आते हैं, कुछ कांसा के आते हैं एंड कुछ ग्लास के भी आते हैं कई जगह पे। तो मैंने, मेरे पास ऑलरेडी एक रोज़ क्वार्ट्ज का ग्वाशा था, तो मैंने ये एक जस्ट हर्ब से कांसा का ग्वाशा ऑर्डर किया था और मैं इसको अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके से अच्छे से पैक हो करके मिला है। मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, पर मैं ये आप लोगों के लिए मैंने इसको अलग से फिर से पैक किया सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे पैक होके आता है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल पीस। आप इसकी प्योरिटी भी देख सकते हैं गाइस, ये कितना ही अच्छा लग, पहले तो ये इतना सुंदर लग रहा है कि देखते ही मेरा दिल आ गया इस पे। एक्चुअली इसकी फिनिशिंग इतनी सुंदर है और इस पे ऊपर ये लिखा भी हुआ है जस्ट हर्ब्स इस तरीके से काव करके, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इसके साइड में भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर इसे फेस पे लगाएंगे तो ये आपको कुछ हार्म करेगा या कोई, इसके बहुत ही मतलब स्मूद एजेस हैं और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है साइड में भी। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, तो अब इसको यूज़ करने के तो कई सारे वीडियोस अभी YouTube पे अवेलेबल हैं। अगर आपको फिर भी इसके यूसेज का अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसको समझा सकूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फेस पे क्रीम लगा के यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे मोस्टली ऑयल के साथ यूज़ करें या सीरम के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब इसे यूज़ कैसे करना है उसके लिए अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा गाइस, तो अब इसको यूज़ करने के लिए मैं बेसिकली इस्तेमाल करती हूँ ये पहाड़ी लोकल का गुट्टी का तेल। जनरली इसको बस एक ड्रॉप लेना पड़ता है और आप इसको अपने चेहरे को अगर आप पानी से भी अगर आप वॉश कर लेंगे उसके बाद आप इसे थोड़ा सा लगा करके और इसे आप अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों से। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसा ये ऑयल है। इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ बट स्टिल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला ऑयल है। तो जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ना यूज़ करें, मगर जिनकी ड्राई स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं। और आप गर्मियों के समय में सीरम का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसे मैंने इस्तेमाल किया बट मुझे तो अच्छा लगा सो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके स्किन में जो भी गंदगी होगी और जो भी टॉक्सिन होगा वो आपके कांसा वाले ग्वाशा से निकल जाएगा। सी इस तरीके से जब आप रब करेंगे, बहुत ही लाइट हाथों से आपको इसे स्क्रब करना है, सॉरी रब करना है। मैं यहाँ हाथों पे कर रही हूँ तो मैं इसको रब की जगह स्क्रब कह रही हूँ, बट आप समझ गए कि इसको आपको इस तरीके से यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाता है और आपके चेहरे पे एकदम अच्छा सा ग्लो, रेड रेड सा ग्लो आ जाता है। आप बिल्कुल भी डरिएगा मत अगर कांसे से आपके चेहरे पे अगर थोड़ा सा भी ब्लैकनेस आती है तो, बिकॉज ब्लैकनेस का मतलब ये है कि आपके स्किन में जितने भी टॉक्सिक थे और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सब रिमूव हो रहे हैं।
तो मुझे ये तेल बहुत सूट किया, क्योंकि जब मैंने इसको लगाया तो मतलब 15-20 दिन मैंने इसको ट्राई किया, तो इसका इफ़ेक्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप चाहें तो कोई भी अपने मनपसंद सीरम से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और सीरम में मैं कहूँगी आप रोज़हिप ऑयल अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रोज़हिप सीरम, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल इन्ग्रेडियंट फॉर रिमूविंग ऑल योर ब्लैक हेड्स एंड ब्लेमिशेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। सो ये आपको जो कासा ग्वाशा है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा जस्ट हर्ब्स की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और उनके पास भी कई वैरायटी के ऑयल्स हैं तो आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी अपने मनपसंद का ऑयल ले करके आप ग्वाशा यूज़ कर सकते हैं। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और मेरे ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि मैं और क्या रिव्यूज़ लेकर के आऊँ आप सभी के लिए। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।